अमित शाह जब दौरा करते हैं तो ये सब हिंसा सब शुरू हो जाता है। 25 में भाजपा की सरकार बनाइए, ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी दौरा हो रहा है। गृहमंत्री अमित शाह जब दौरा करते हैं तो ये सब हिंसा सब शुरू हो जाता है। जहाँ जहाँ गए हैं वो रिकॉर्ड है। चुनाव में भी फर्क पड़ेगा उनके दौरे का? हिंसा का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जितना दौरा कर रहे हैं किस मकसद से वो सबको पता है, राज्य के लोग जनता को भी पता है। ठीक है, तो आप लोग इसका जवाब देंगे क्या? आप लोग भी घूमेंगे? नहीं नहीं, हम तो काम कर रहे हैं, घूम रहे हैं पहले से, लेकिन इस तरह की जो घटना घटाते हैं लोगों का इमोशन के साथ खेलने का, जहां हिंसक व्यक्ति जहां जाएंगे हिंसा फैलाएंगे। तो क्या आप जिम्मेदार बीजेपी को ठहरा रहे हैं इस पूरे हिंसा की? नहीं, देखिए हिंसा पैदा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से जिस तरह का रवैया बीजेपी अपनाता है, कई राज्यों में किया है उसको आप देख लीजिए, लेकिन बिहार और यहाँ को भी जज कर लीजिए। हम सत्ता में है तो उसका नियंत्रण हम करेंगे। आज समग्र बिहार चिंता कर रहा है, बिहार के बिहार शरीफ में आग लगी है, सासाराम में आग लगी है, बिहार शरीफ नालंदा तो नदी की है, चिंता हो रही सबको। मैं आपको कहता हूं 24 में मोदी जी को पूर्ण बहुमत दीजिए, 40 में 40 सीटें, और 25 में भाजपा की सरकार बनाइए, ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। हम तुष्टिकरण में नहीं मानते, हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं, हमारे शासन में दंगे नहीं होते हैं। माताओं भाइयों बहनों, इतनी बड़ी संख्या में जहां तक नजर जाए भीड़ भीड़ दिखाई पड़ती है। मुझे बताइए, बिहार की 40 सीटें मोदी जी को देंगे क्या? सुनाई नहीं पड़ता है मोदी जी को दिल्ली में? जोर से बोलिए, देंगे क्या? हर सीट पर कमल खिलाएंगे, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे, 2025 में पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार लाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे।